एक बालक था, 2.5 साल की उम्र में उस बच्चे के माता पिता उसे छोड़, उसके पिताजी छोड़ करके संसार चल बसे। 2.5 साल की बेटी की उम्र थी, माँ ने परिश्रम करके मेहनत मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाया लिखाना स्टार्ट कर दिया। जब 5 वर्ष का हुआ बच्चे को स्कूल में बिठा दिया। बच्चा क्या करता है, स्कूल में जाता है, स्कूल से लौट करके आता है तो रास्ते में एक वारी का खेत पड़ता है। वारी समझते हैं ना, नहीं समझते? वारी मतलब जिसमें सब्जियां होती हैं खेत में, शायद आप यहाँ कुछ और कहते हो। वारी सब्जी होती है जिस खेत में। बच्चा स्कूल से आता है तो रास्ते में बारी का खेत पड़ता है। बच्चा क्या करता है, बारी के खेत में से कभी लौकी, कभी भिंडी, कभी तोरई तोड़ करके अपने बैग में रख लाता है, घर पर आता है। माँ ने नहीं पूछी, लाला तू कहाँ से लेके आवे? माँ ने नहीं पूछी कहाँ से लेके आवे? माँ बड़ी खुश हो गए, मेरे लाला खूब सब्जी को टल्लो चला रहे हो। वैसे महंगाई है सब्जी पर भी। माँ ने नहीं पूछा, माँ बड़ी खुश। बच्चा दिन प्रतिदिन बड़ा हुआ, अब तो स्कूल में से बच्चे की कॉपी किताबें चुराने लगा। और बड़ा हुआ आसपास के घरों में जाता है, जो मिल जाता है चुरा लाता है। और बड़ा हुआ अब तो गांव में भी चोरी करने जाने लगा। और बड़ा हुआ आसपास के गांव में भी चोरी करने जाने लगा। और बड़ा हुआ क्षेत्र में भी चोरी करने जाने लगा। एक दिन वो लड़का एक बड़ा डकैत बन गया, चोर बन गया। एक दिन वो लड़का रंगे हाथों चोरी में पकड़ा गया। उसे पकड़ के जज के हवाले किया गया। जज ने कहा मेरी तरफ से ये सजा है इस बच्चे के लिए, इस बच्चे को फांसी लगनी चाहिए। क्या फांसी लगनी चाहिए? बच्चे को फांसी लगाने की तैयारियां हो रही थी। आप जानते हैं कि अगर फांसी लगाई जाती है तो बच्चे की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जिसे फांसी लगाई जाती है उससे कहा जाता है तेरी अंतिम इच्छा क्या है, क्या चाहता है तू? तो लड़के से भी पूछा गया कि क्या चाहता है तू? तो लड़के ने कहा मैं चाहता हूँ मुझे मेरी बूढ़ी माँ से मिला दो, मुझे मेरी बूढ़ी माँ से मिला दो। पता बताया, माँ को बुलवाया। माँ दौड़ती हुई आई। माँ ने जब सुना बच्चे को फांसी लग रही है और किसी माँ का इकलौता बेटा हो उसे फांसी लग रही हो और माँ को मालूम पड़े क्या हाल होगा माँ का। माँ हाय बेटा हाय बेटा कहती हुई गिरती उठती भागती हुई जैसे तैसे माँ आई। माँ ने देखा है फंदे के नीचे मेरा बेटा फांसी की तैयारी में खड़ा हुआ है, सिर्फ मेरी प्रतीक्षा हो रही है। माँ आगे भाग करके बेटे को सीने से लगाने को झपटी। बच्चे ने एकदम से धक्का मार के एक थप्पड़ दिया माँ के गाल में, एक थप्पड़ मारा। माँ रो करके बोली बेटा मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि तुझे फांसी लग रही है, मेरे लाल तूने मुझे ये थप्पड़ क्यों मारा? तब वो बालक कहता है माँ तू मेरी माँ नहीं, तू तो नागिनी है। बोले मतलब? लड़का कहता है माँ मतलब ये कि जो थप्पड़ आज मैंने तुझे मारा है यही थप्पड़ तू मुझे उस दिन मार देती जिस दिन मैं चोरी पहली चोरी करके लाया था, आज मुझे फांसी नहीं लगती। इसलिए याद रखना माताओं, माता निर्माता भवती, माँ ही बच्चे की निर्माण करता होती है। माँ जो चाहे वो बच्चे को बना सकती है। इसलिए माता पिता का फर्ज बनता है कि बच्चे की संगति पर गौर करें। मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, क्या कर रहा है, 20 रुपए मांग रहा है, क्या खा रहा है, बीड़ी तो नहीं पी रहा है, अरे गुटखा तो नहीं खा रहा है। इस तरह से बच्चों के अंदर शिष्टाचार फड़ते हैं, याद रखना महाराज। बेटा ध्रुव के अंदर माँ ने जैसे संस्कार डाले वैसा बालक बन के तैयार हो गया।